आई एम शिव कुमार फ्रॉम CIA मैथ टीचर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास सिक्स के लिए चैप्टर है मेंसुरेशन, जिसमें पहले जानेंगे व्हाट इज मेंसुरेशन, मेंसुरेशन होता क्या है। मेंसुरेशन इज द एनी क्लोज फिगर इज नोन एज द मेंसुरेशन। इसका मतलब वही किसी भी क्लोज फिगर का यानी बंद आकृति का परिमाप यानी माप करना पेरीमीटर कहलाता है। उसमें तीन चीज करना है, सबसे पहले स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × 1 साइड, और पेरीमीटर रेक्टेंगल का होता है 2 × L+B, जो आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। और ट्रायंगल का होता है पेरीमीटर ऑफ, ट्रायंगल निकालने के लिए सम ऑफ ऑल साइड करते हैं। इसमें अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होता है तो उसको हम लोग 3 × 1 साइड लिखते हैं, या AB+BC+CA भी लिखते हैं। इसका तीनों फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब सबसे पहले इसका उपयोग कैसे करते हैं ये हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी स्क्वायर का दे देगा, उसमें वन साइड दे देगा और कहेगा कि इसका पेरीमीटर निकालिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक फिगर है जिसमें वन साइड 5 सेंटीमीटर है, तो इसका अगर हमें पेरीमीटर निकालने के लिए पूछा जाए तो हम लोग लिखेंगे क्या, वन साइड इक्वल टू, हम लोग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 × 1 साइड होता है, और इसका पेरीमीटर 4 × 5 कर देंगे, 4 × 5, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी हमारा पेरीमीटर निकल गया। ठीक उसी तरह रेक्टेंगल पे आएंगे। रेक्टेंगल पे मान लीजिए कि 8 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 5 सेंटीमीटर होगा। इसका फॉर्मूला निकालने के लिए, इसका मान निकालने के लिए रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 2 × L+B मैंने फार्मूला लिखाया है। इसका मतलब हुआ L की जगह पे हम 5 कर दें, L की जगह पे 8 करेंगे सॉरी, और B की जगह पे 5, यानी अब हो जाएगा 2 × 8+5 क्या हो जाता है 30, ब्रैकेट को हटा देंगे 2 × 30 यानी 26 सेंटीमीटर हो गए। ठीक उसी तरह ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालते हैं। तो ट्रायंगल पे मान लीजिए इसका मान 10 मीटर, ये 8 मीटर और ये 7 मीटर का है। इसका पेरीमीटर निकालने के लिए जैसे फॉर्मूला में है सम ऑफ ऑल साइड, तो इसमें भी करेंगे AB+BC+CA। AB का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, BC का कितना है 7 सेंटीमीटर, CA का मान कितना है 8 मीटर, तीनों को ऐड करेंगे ये मेरा हो जाएगा 25 मीटर। यानी तीनों फिगर का अलग अलग कैसे पेरीमीटर निकालते हैं फॉर्मूला सहित हमारा पेरीमीटर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसी पे बुक के आधार पे आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा। चलिए चुनकर अब हम लोग अभी पेरीमीटर पढ़े हैं, उसके बाद आता है एरिया। एरिया में क्या होता है कि जब स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है साइड, तो स्क्वायर में जानते हैं कि ऑल साइड आर इक्वल होता है, यानी वन साइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला है क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी 5 × 5, 5 का 25 मीटर स्क्वायर। हमेशा एरिया को स्क्वायर में लिखा जाता है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान में रखिएगा। पेरीमीटर को मीटर में लिखा जाता है, लेकिन अगर एरिया जब दिया हो तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो भी मात्रक दिया रहता है उसी का हम स्क्वायर में लिखते हैं। इसलिए ये कुछ बच्चे ऐसे भी है, आप इसको भी कर सकते हैं साइड टू साइड के बदले साइड का स्क्वायर, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, दोनों सही होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है L × B, यानी L इक्वल टू कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, B इक्वल टू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकालने के लिए L × B यानी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा A बराबर। ये आपका एरिया रेक्टेंगल का निकल गया। उसके बाद लास्ट ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल का ही फॉर्मूला होता है एरिया के लिए,
टू इंटू बी इंटू एच। एच यहाँ पे मान लीजिए दिया है 10, बी दिया है 6, पी दिया है 8। तो क्या करेंगे, 1/2 इंटू बी का वैल्यू क्या है 6, एच का वैल्यू क्या है, ये एच हाइपोटेनस होता है ध्यान रखिएगा, लेकिन ये जो पी होता है इसको परपेंडिकुलर भी कहा जाता है, इसको इसका हाइट भी कहा जाता है, इसलिए इस कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे सर यहाँ पे हाइट ठीक है, इसको हाइट और परपेंडिकुलर दोनों कहा जाता है, यानी बेस इंटू हाइट होता है, तो 6 इंटू 8 हो जाएगा, इसको काटेंगे 2 3 6, 8 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि हमेशा एरिया स्क्वायर में होता है। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर एडमिनिस्ट्रेशन का जो आप लोगों को पढ़ना है, पेरीमीटर और एरिया, ये तीनों समाप्त हो जाएगा, और इसमें से आप लोग चाहें तो क्वेश्चन बनाइए, अगर किसी को दिक्कत होता है फिर भी तो आप व्हाट्सएप से या किसी माध्यम से आप जानकारी हमसे ले सकते हैं, पूछ सकते हैं।